गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमने नोबेल प्राइज़ 2021 सीरीज स्टार्ट करी है एंड इस सीरीज का ये 6th क्लास है एंड आज हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। तो इस बार का नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री मिला है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। बट क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी एंड प्लीज़ आंसर द क्वेश्चन इन कॉमेंट बॉक्स। एंड आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, प्रोमोटर डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, ट्रू है या फॉल्स? प्लीज आंसर द। एंड इस बार का जो मेंशन किया है बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन ने, उसकी बहुत सारी खूबियां आपको दिख रही होंगी, जस्ट लाइक प्रिसाइज है, चीप, फास्ट एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। तो चलिए देखते हैं ऐसा इन्होंने क्या इन्वेंशन कर दिया है, इसकी इतनी सारी खूबियाँ हैं। तो इन्होंने इन्वेंशन किया है एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट का। ओके, एंड इसके वर्ड पे ध्यान देते हैं, जस्ट लाइक कि ये एसिमेट्रिक एंड ऑर्गेनो कैटलिस्ट की बात की, कोई एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, ओके, जो कैटलिस्ट है जो कि ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, ऑर्गेनिक इन द सेंस कि नेचुरल कैटलिस्ट है, एंड उसका वो एक्चुअली है क्या, एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है उसका। इन केमिस्ट्री अगर हम सिमेट्री को समझते हैं, सिमेट्री क्या है, सिमेट्री मीन्स इन लेमैन लैंग्वेज में कोशिश करते हैं, अगर किसी भी चीज़ का अगर हम दो पार्ट करते हैं एंड एग्जैक्टली दोनों पार्ट उसका सेम होता है तो वो सिमेट्री स्ट्रक्चर कहलाता है। ओके, सिमेट्री स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मीथेन देख लेते हैं, ठीक है, दिस इज मीथेन, और स्ट्रक्चर इसका जब बनाते हैं तो ये कार्बन हो गया सेंट्रल एलिमेंट एंड ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप इसको अगर दो पार्ट में कट करते हो, डिवाइड करते हो, तो दो इक्वली पार्ट में किसी भी एंगल से डिवाइड करते हो तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होगा, कट होगा, तो ये क्या है, ये परफेक्टली सिमेट्रिक स्ट्रक्चर में आता है मीथेन। एंड वही एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वही अगर दो पार्ट्स हैं, कोई चीज़ है उसका अगर हम दो पार्ट करते हैं तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है तो एसिमेट्रिक। अब एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये कार्बन से बॉन्डेड है, बट डिफरेंट एटम से बॉन्डेड है, लाइक ब्रोमीन से बॉन्डेड है, हाइड्रोजन से, फ्लोरीन से एंड OH से। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, ओके, कट करते हैं तो कभी भी इक्वल पार्ट्स में इसका ओरिएंटेशन सेम नहीं होगा क्योंकि सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, ओके, तो ये हो गया एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर। चलिए देख लेते हैं कैटलिस्ट क्या होता है। तो हमने केमिस्ट्री में देखा है कि हमने कोई केमिकल बहुत सारे केमिकल रिएक्शन देखते हैं, तो कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जो कि फास्ट हो जाता है, बट कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, रिएक्शन होने में थोड़ा देरी करता है। तो इस टाइम कंजम्पशन को कम करने के लिए और रिएक्शन को फास्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसको एज अ कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट का काम करता है। कोई भी रिएक्शन हो रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है, तो उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल मिला के हम उस रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, दैट इज़ एक्स्ट्रा मटेरियल, उसको कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में देख लेते हैं कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन बी एडेड टू अ रिएक्शन, इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड। उस रिएक्शन में वो जो कैटलिस्ट होता है कंज्यूम नहीं होता है बल्कि उस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, ओके, दैट कैटलिस्ट कुड बी एंजाइम। एंजाइम क्या है, एक प्रोटीन है, ओके, डेली लाइफ में हम बहुत सारे कैटलिसिस प्रोसेस देखते रहते हैं बट हम ध्यान नहीं देते हैं कि ये कैटलिसिस प्रोसेस इसमें हो रहे हैं, ओके, एंड जैसे कि बचपन में हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स में डिफ्रेंशिएट करो, क्या है ऑटोट्रॉप्स, क्या होते हैं कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं एंड जो लाइक प्लांट्स हो गए, और हेटरोट्रॉप्स हो गए जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स हो गया, एनिमल, ओके, तो जो ऑटोट्रॉप्स हैं अपना भोजन बनाते हैं तो किसके थ्रू बनाते हैं, ठीक है, तो इनमें एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, उसके थ्रू ये प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड वाटर लेते हैं, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन
क्लोरोप्लास्ट। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो रिएक्शन होकर क्या बनता है, शुगर फॉर्मेशन होता है, CH6S12O6, ओके, एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है, एंड इस शुगर से ये अपना भोजन भोजन का के रूप में यूज़ करते हैं, और ये हम ऑक्सीजन ये हमारे लिए रिलीज़ करते हैं। तो जो ये सनलाइट है यहाँ पे क्या कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अगर सनलाइट नहीं रहता तो ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं अपना भोजन नहीं बना पाते, ओके, भोजन नहीं बना पाते, भोजन प्लांट्स भोजन नहीं बना पाते, तो प्लांट्स पे फ्लावर्स भी नहीं आते, ओके, फ्लावर्स नहीं आते तो क्या है, नाइन्टीज़ के जो हम सॉन्ग सुनते हैं उसमें जितने भी एवरग्रीन सॉन्ग हैं 90s के, उसमें फूलों का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है, फूलों के इर्द गिर्द ही इनके लाइन्स जो लिरिक्स हैं घूमती रहती है। तो सोचो अगर सनलाइट नहीं रहता और ये जो है कि कैटलिस्ट का काम नहीं करता, तो न प्लांट्स रहते हैं न फूल रहते हैं, ओके, तो 90s के इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी नहीं मिलते, और सबसे एडवर्सली इफेक्ट किस पे पड़ता है, फिल्म इंडस्ट्री पे पड़ता, और ये फिल्म इंडस्ट्री में भी ठप हो जाती, ठीक है। तो डेली लाइफ में हमने देख लिया कि कैटलिस्ट का कैसे काम कर रहा है सनलाइट, ओके। हमने देखा कि बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन ने काम किया है इस मैट्रिक ऑर्गेनिक कैटलिस्ट पे। सिंपल वे में देख लेते हैं कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है हमको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसके वजह से पड़ेगा, ओके, दैट इज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, लाइक ड्रग्स फॉर्मेशन में, ओके, ड्रग्स फॉर्मेशन जैसे मेडिसिनल ड्रग्स की बात कर रहे हैं, नशे वाले ड्रग्स की बात नहीं, ड्रग्स फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग में पड़ेगा, लाइक उसको थोड़ा जो ड्रग्स फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग है उसको थोड़ा ऑर्गेनोकेमिस्ट ग्रीन कर दिया, ग्रीन इन द सेंस कि वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, ग्रीन इन द सेंस कि वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं ना, तो वे वेस्ट क्या होते हैं, कन्वर्ट पॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और तो इससे क्या, जब ग्रीन हो जाएगा कैटलिस्ट तो थोड़ा सा पोल्यूशन कम हो जाएगा ना, जब हम ऑर्गेनो कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे, ऑर्गेनो कैटलिस्ट दैट इसकी नेचुरल कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा पोल्यूशन कम होगा। बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि ऑर्गेनिक मटेरियल को भी हम कैटलिस्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल में जस्ट लाइक प्रोलीन हो गया, ओके, प्रोलाइन हो गया, ये ऑर्गेनो कैटलिस्ट के रूप में बहुत अच्छा इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम ज़्यादातर मेटल कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, मेटल एंड एंजाइम कैटलिस्ट का, और करते थे और अभी करते भी हैं, एंड क्या होता है कि कैटलिस्ट प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है, और बहुत ज़्यादा ये कैटलिस्ट एक्सपेंसिव भी होता है, तो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट से क्या होगा कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी नहीं है और पोल्यूशन भी नहीं होगा, जो कि एनवायरनमेंट के लिए हमारे सही रहेगा, ओके। हम सभी ने केमिस्ट्री में पढ़ा है हैबर प्रोसेस में क्या होता है कि अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, अमोनिया फॉर्मेशन हो जाता है। क्या आपको लगता है ये डायरेक्टली रिएक्शन करता है तो हो जाता है? नहीं भाई, कैटलिस्ट यूज़ होता है यहाँ पे, आयन कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं तब जाके अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, और एक इसमें कैटलिटिक प्रोमोटर का यूज़ करते हैं मॉलिब्डेनम, तो ये कैटलिक प्रोमोटर मॉलिब्डेनम क्या करता है, इस रिएक्शन को इनक्रीज कर देता है। तो हमने क्या यूज़ किया, एक आयन यूज़ किया कैटलिस्ट के रूप में, तो आयन क्या है, एक मेटल है, दैट इज़ इस आयन की जगह पे इन्होंने क्या बोला है कि हम यूज़ करेंगे ऑर्गेनो कैटलिस्ट का, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट का, जस्ट लाइक प्रोलाइन, ओके, प्रोलाइन क्या है, एक ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, एंड ऑर्गेनो केमिस्ट्री के सारे एडवांटेजेस हैं, जस्ट लाइक सिंप्लिसिटी है, अवेलेबिलिटी मतलब आसानी से मिल सकती है, और टॉक्सिक नहीं है, लो टॉक्सिक है एनवायरनमेंट के लिए, एंड क्या करेगा, और हमें यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़फुल होगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जो है कि केमिकल को ग्रीन केमिस्ट्री के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ऑर्गेनो कैटलिस्ट को।
ओके, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोमोटर डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ओके, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि हमने पिछले बार एग्जांपल देखा ना, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ आयन एंड मॉलिब्डेनम एंड फॉर्मेशन हो रहा है अमोनिया का। ठीक है, तो कोई आपको क्या लगता है, ये डायरेक्टली रिएक्शन किया और अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया? नहीं, कैटलिस्ट आयन ने भी इसमें बहुत रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने में काम किया, और ये जो मॉलिब्डेनम है कैटलिटिक प्रोमोटर, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ किया है, ना कि डिक्रीज़ किया है। ओके, तो आंसर वुड बी बी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।